गणपते नमः। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला भाला है, वाम अंग में गौरा विराजे, वाम अंग में गौरा विराजे, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला भाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला भाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, शिव महापुराण की पावन कथा सुनने वाले सभी शिव भक्तों का ग्रेट MS वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। माता पार्वती और भोलेनाथ आपके सभी दुखों को दूर करें और आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। आज हम शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 38वें अध्याय से 42वें अध्याय तक का श्रवण करेंगे, जिसके साथ ही रुद्र संहिता द्वितीय खंड संपूर्ण हो जाएगा। कल से श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले सभी अपने मन में गौरी पुत्र गणेश, भगवान भोलेनाथ, पूरे शिव परिवार और शिव महापुराण का ध्यान करते हुए शांत और प्रसन्न चित मन से शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतरवेदी में छिपे हुए थे, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिव जी को अपनी विजय की सूचना दी। इस प्रकार समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्री हरि ने रुद्र गणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में राजा श्रुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, इसीलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा श्रुव के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीची का चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा शुभ जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्णतः असहमत थे। शुभ सभी वर्गों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्व वेद में माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है, इसीलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीची, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा शुव की कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शुव के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर शुव को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए
योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीचि मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीचि से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकम् यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में शारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टि वर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है, जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वा रुक, अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है, यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीचि मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीचि मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीचि ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ दधीचि, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। यह सुनकर दधीचि हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, हे महादेव जी, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया कर मुझे तीन वर प्रदान करें। पहला यह है कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा, कि मैं हमेशा अदीन रहूं, कभी दीन ना हूं। शिव जी ने तथास्तु कहकर तीनों वर दधीचि को प्रदान कर दिए। तीनों मन चाहे वरदान मिल जाने पर दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मगन होकर राजा शिव के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीचि ने शिव के सिर पर लात मारी। शिव विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित हो
तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया। परंतु शुभ के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर शुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर शुभ को दिव्य दृष्टि प्रदान की। शुभ ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात शुभ बोले, भगवान, मुनि श्रेष्ठ दधीची पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीची ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया है तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया है। वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया है। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हे भगवान, मुनि दधीची को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्रीहरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीची मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तब वे श्रुव से कहने लगे, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीची को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीची के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय होगी। इसीलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा मौन हो गए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा श्रुव के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मगन रहने वाले ब्रह्म ऋषि दधीची से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, श्रुव का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले कि हे महामुनि, आपका कथन पूर्णतया सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा श्रुव के सामने यह कह दें कि आप राजा श्रुव से डरते हैं। श्री विष्णु की यह बात सुनकर दधीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं? दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीची ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीची मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी
चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले कि हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्र क्यों चलेगा? शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं अर्थात ब्रह्मा राजा शुभ को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहां उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए और उन्होंने दधीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा शुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा शुभ द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा शुभ को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा शुभ ने दधीची को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा शुभ के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया है। जो मनुष्य शुभ और दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वह अब मृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृतांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया
और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर वैकुंठ लोक गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। हे देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाए। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहां उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसीलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वे भक्त वत्सल हैं। यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिवजी के मित्र कुबेर का निवास स्थान अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहां चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे, जहां दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योगाराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी भगवान ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, इसीलिए प्रभु आप हम सबकी रक्षा करें। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय। देवताओं ने महादेव जी की बहुत स्तुति की और कहा, हे भगवान, आप ही परम ब्रह्म हैं
और इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। आप मृत्युंजय हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपकी तीन आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही इस संसार का पोषण करते हैं। हे भगवान, आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार ही अग्नि जलाती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसाता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है। हे करुणा निधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति से रक्षा की है, उसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। हे भगवान, हम अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रसन्न होकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए तथा यजमान दक्ष का उद्धार कीजिए। वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। उन सभी की पीड़ा को कम कर दें। हे शिव जी, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दें और दक्ष को पुनर्जीवित कर दें। भग ऋषि को उनकी आंखें, पुषा को दांत प्रदान करें। साथ ही जिन देवताओं के अंग नष्ट हो गए हैं, उन्हें ठीक कर दें। आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। हम आपको यज्ञ में भाग देंगे। ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकीनाथ महादेव के चरणों में लेट गए। पूरा पूरा हमारी स्तुति और अनुनय विनय से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूँ, इसीलिए आपकी प्रार्थना को मैं नहीं डाल सकता। परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया है। उसके यज्ञ का विध्वंस इसीलिए हुआ क्योंकि वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, उनसे द्वेष रखता है। परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है, उसका ही बुरा होता है। इसीलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तुम्हारी प्रार्थना से मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूँ। परंतु दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है, इसीलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। भग सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख पाएंगे तथा पुषा के टूटे हुए दांत सही हो जाएंगे। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे जैसी हो जाएगी। सभी अधर्मी प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदी के अनुसरण करता परम दयालु भगवान शंकर मौन हो गए। तत्पश्चात मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने और विष्णु सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के स्थान पर गए, जहां दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया था। उस कनखल नामक यज्ञ क्षेत्र में शिव जी भी पधारे। तब उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि व यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े हुए थे। कितने ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। तब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया। तब शिव जी हंसते हुए बोले कि हे वीरभद्र, तुमने तो थोड़ी सी देर में सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। हे वीरभद्र, तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र गए और दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिया, परंतु उसमें सिर नहीं था। दक्ष के शरीर को देखकर शिव जी ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है।
तब वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर काटकर उसने यज्ञ की अग्नि में ही डाल दिया था। तब शिव जी के आदेश अनुसार बकरे का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया। जैसे ही शिव जी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी, वह जीवित हो गया। दक्ष के शरीर में प्राण आ गए और वह इस प्रकार उठ बैठा जैसे गहरी नींद से उठा हो। उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा। उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया और उसके प्रसन्नचित होते ही उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण हो गया और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा। तत्पश्चात अपने को संभालते हुए दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव से कहा, हे कल्याणमय महादेव जी, आप ही इस जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही सृष्टि की रचना का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपको यज्ञ में भाग भी नहीं दिया। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझ पर कृपा कर यहाँ मेरा उद्धार करने आ गए। हे भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर एवं यहाँ उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न हुई और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष मौन हो गए। तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तत्पश्चात मैंने भी भगवान शिव की बहुत स्तुति की। हे भगवान, आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसका उद्धार किया। हे देवेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर सभी शापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। हे महामुनि, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहां उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से स्तवन किया। इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपनी स्तुति सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार श्री हरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वे हम सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले, प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है। मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। चार प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है। उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप को जानकर मुझे समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहते हैं, वे मेरे स्वरूप को नहीं पा सकते। इसीलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कर्म करो। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु का रक्षक हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। मैंने ही इस संसार की सृष्टि की है। मैं ही संसार का पालन करता हूँ। मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारक बन उनका विनाश करता हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते। मेरे भक्त
सदैव मेरे ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही हैं। जो मनुष्य हमें अलग ना मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हम में भेद करते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्रीहरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा, उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लग जाएंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को बहुत हर्ष हुआ तथा दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिव जी की भक्ति में मग्न हो गया। सब देवता भी महादेव जी का ही गुणगान करने लगे। वे शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों को गाने लगे। इस प्रकार जिसने जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की और आराधना की, भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ऐसा ही वरदान प्रदान किया। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया। सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्ति पूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं, मुनियों और ऋत्विजों के सहयोग से दक्ष का यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चले गए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव जी से आज्ञा मांगकर वहां से प्रस्थान किया। तब मैं और विष्णु जी भी शिव वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए। दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिव जी को बहुत सम्मान दिया। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की। वे उनको याद करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया। यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह उत्तम वृतांत सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। कल से श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का प्रारंभ होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका मंगल हो।